हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज का लेक्चर हम लेंगे एलजेब्रा का और कल का लेक्चर जो है वो कैलकुलस का लेंगे। तो एक दिन सॉलिड ज्योमेट्री, एक दिन एलजेब्रा और नेक्स्ट डे कैलकुलस। तो इस तरह से रोटेशन में चलाएंगे हम तीनों बुक, ठीक है। चलिए देखिए, एलजेब्रा में आज मैं करवा रही हूँ आपको 2.4th एक्सरसाइज। 2.3 तक मैंने करवाई थी और इसके बीच में गैप आ गया था। 2.4 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 2.4th में टॉपिक क्या है, लीनियरली डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, यानी सेट ऑफ वेक्टर्स को आप लीनियरली डिपेंडेंट कब कहते हैं और इंडिपेंडेंट कब शो करते हैं। कैसे होता है, अगर मैं सेट ऑफ वेक्टर लेती हूँ v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स एंड दिस सेट इज सेट टू बी linearly dependent if there exist scalars, यानी constant a1 a2 up to so on an, जितने वेक्टर हैं उतने ही हमने स्केलर ले लिए a1 से an तक, ठीक है। These are scalars such that a1 v1 plus a2 v2 plus up to so on an vn, this is a linear combination। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स इन स्केलर्स को हमने वन बाय वन जो सबसे मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करती हूँ तो यहाँ पे स्केलर हम लेके चलेंगे, और अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देती हूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन आनी चाहिए कि जो स्केलर आए हैं ये वाले कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने, अगर ये पूरे स्केलर्स यानी कि a1 a2 अप टू सो ऑन an, ठीक है, नॉट ऑल ज़ीरो, यानी कि सब में से किसी ना किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट मींस इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब हमें ये कांस्टेंट लेके चले हैं, अगर इन कांस्टेंट में से स्केलर्स में से किसी एक भी स्केलर की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाती है, कम से कम एटलीस्ट वन बोला है हमने यहाँ पे, सभी की नहीं, एटलीस्ट वन, अगर एक की भी वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो हम इस v1, v2, vn जो सेट ऑफ वेक्टर्स है v1, v2, vn, देन दिस सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। एंड इफ a1, a2, अप टू सो ऑन an, मीन्स ऑल स्केलर्स आर ज़ीरो, सबकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, देन we can say that this set of vectors is linearly independent, यानी कि v1 v2 जो इन सेट है जो वैक्टर्स का, इसको हम बोलेंगे linearly independent, clear। ये आपके पास डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द सेट ऑफ वैक्टर्स, ये आपके पास एक वैक्टर दे दिया, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, इज लीनियरली डिपेंडेंट, इन सेट ऑफ वेक्टर्स को आपको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है। यानी एक वेक्टर को हम लेके चलेंगे v, मान लिया कि हमने ले लिया v1, 1 ले लीजिए, 0 2 माइनस 4, v2 ले लेते हैं सेकेंड वेक्टर को, 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड थर्ड इज v3, 1 माइनस 4 3, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर गिवन है और इनको आपको लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है, इट मीन्स सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, अंडरस्टैंड। चलिए लिखिए कॉम्बिनेशन में, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटू वी वन प्लस बी इंटू वी टू सी इंटू वी थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ही किया था हमने, a1 v1 a2 v2 up to so on an vn, यहाँ पे 3 वेक्टर हैं तो हमने 3 कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। v1 v2 v3 की वैल्यू रख दीजिए, a into v1 इज 0 2 माइनस 4 प्लस b कांस्टेंट into v2 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस c into v3 की वैल्यू है 1 माइनस 4 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो राइट साइड पे जीरो, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज़ अ ट्रिपलेट, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, और अगर इसमें 3 नंबर आ जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं, ओके। तो जीरो को आप लिख सकते हो 0 0 एंड 0,
इसको भी ट्रिपलेट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स ज़ीरो ही रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस यहाँ पे जो ट्रिपलेट का ये कॉमास जो है ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना। ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये बन जाएगा ज़ीरो टू ए माइनस फोर ए प्लस। सेकेंड को आप बी से मल्टीप्लाई करिए, बी कॉमा माइनस टू बी कॉमा माइनस बी प्लस। थर्ड को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, सी माइनस फोर सी थ्री सी और इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रिपलेट में, हम कैसे करते हैं अगर हमें दो ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हो, ए बी प्लस सी डी, कैसे ऐड करते हैं? फर्स्ट नंबर में ऐड होता है ए प्लस सी, और सेकेंड नंबर में जो सेकेंड प्लेस पे आता है बी प्लस डी। इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं, ऐसे ही ट्रिपलेट में चलेगा। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे देखिए, ज़ीरो बी एंड सी आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बी, देखिए ज़ीरो प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, फिर आप लगाएंगे कॉमा। फिर सेकेंड प्लेस के नंबर को ऐड कीजिए, टू ए माइनस टू बी माइनस फोर सी, टू ए माइनस टू बी माइनस फोर सी, फिर कॉमा, फिर आएगा माइनस फोर ए माइनस बी प्लस थ्री सी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो ट्रिपलेट में, ठीक है। अब जैसे ही आप इनको सॉल्व ऐड करते हैं तो ये एक और हमारे पास ट्रिपलेट आ जाता है। अब अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ई एफ जी, अगर दोनों ट्रिपलेट इक्वल होते हैं दैट मीन्स फर्स्ट नंबर फर्स्ट के इक्वल होता है, ए इक्वल टू ई, ओके, बी इक्वल टू एफ एंड सी इक्वल टू जी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ से दो ट्रिपलेट मिल गए हैं, एक लेफ्ट हैंड पे और एक राइट हैंड पे। तो लेफ्ट हैंड का फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड पे जो प्लेस फर्स्ट प्लेस का नंबर होगा, यानी बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज टू ए माइनस टू बी माइनस फोर सी इक्वल टू ज़ीरो, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फिर थर्ड प्लेस पे देखिए, फोर ए माइनस बी प्लस थ्री सी, दिस इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन। अब हमें मेन क्या करना है, यहाँ से हमें जो स्केलर्स थे ए बी सी जो कॉन्स्टेंट थे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर तीनों ज़ीरो आ जाते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट क्वेश्चन जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स ए बी और सी की वैल्यू तीनों की ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, कम से कम एक नॉन ज़ीरो मिलना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट इक्वेशन है बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ माइनस सी, ओके। सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे बी की वैल्यू माइनस सी इन सेकेंड, दिस इज पुट इन सेकेंड दिस वैल्यू बी इक्वल टू माइनस सी, देन टू हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, टू ए टू बी एंड टू सी माइनस फोर सी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, टू कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और ये टू इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, यानी ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इसमें हम पुट करेंगे बी इक्वल टू माइनस सी, पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए माइनस माइनस सी रखेंगे प्लस का हो जाएगा, माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो एंड ए माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू सी। बी की वैल्यू भी हमारी सी में आ गई है, ए की वैल्यू भी सी में आ गई है। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं थर्ड में पुट कर लेती हूँ और ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है, दैट मीन्स ये हमारी वैल्यूज़ जो वो एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, पुट बी इक्वल टू माइनस सी एंड ए इक्वल टू सी इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड में पुट करते हैं, माइनस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फोर ए माइनस बी प्लस थ्री सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ऑफ थर्ड इक्वेशन, ओके। यहाँ पे हमें रखना है b को माइनस सी, तो माइनस फोर ए यहाँ पे रखेंगे हम, अच्छा a के प्लेस से भी तो वैल्यू रखेंगे ना, एक a हो जाएगा माइनस फोर सी, a इज इक्वल टू सी रख दिया हमने, और b को रखेंगे c, ये प्लस का बन जाएगा प्लस थ्री सी, दिस इज माइनस फोर सी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो। मीन्स दिस वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड, थर्ड को इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और हमारा जीरो आंसर आ गया, ओके। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी
आर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करने का मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है बी इक्वल टू माइनस सी एंड ए इक्वल टू सी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सी की वैल्यूज रखती जाएंगे वैसे वैसे बी की वैल्यूज आती जाएंगी। दैट मीन्स गिविंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी, जैसे जैसे हम सी की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे वी गेट इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ बी एंड ए। ए और बी की बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, जैसे जैसे आप सी की रियल कोई भी रियल वैल्यू रखते जाएंगे बी और सी के अकॉर्डिंग टू दैट नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे मैंने नॉन जीरो वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी के हमें बहुत सारी नॉन जीरो वैल्यू मिल सकती है जैसे जैसे आप सी की नॉन जीरो वैल्यूज रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे हम अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकते ए बी सी की वैल्यू, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। और अगर आपको दो दो इक्वेशन लेके सॉल्व करना है किसी तरह से भी निकालिए, आप ए और बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां से अगर नॉन जीरो आती हैं तो वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आए कि हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, और फिर जो दो इक्वेशन आती है उनको सॉल्व करते हैं। मीन्स मेन मोटिव हमारा ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल के भी कर सकते हैं, और एक मैं आपको करवाती हूँ मैट्रिक्स मेथड, उससे भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, स्टार्टिंग के टू पार्ट्स भी आप इसी मेथड से करेंगे। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ कि कैसे आपको करना है, और ये क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है MD यूनिवर्सिटी में, इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट उठा लिया। डिटरमाइन द सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास थ्री वैक्टर्स हैं तो हम थ्री स्कैलर लेके चलेंगे और एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। एक रिलेशन बनाते हैं, क्या ए इंटू डायरेक्ट करवा रही हूँ मैं अब यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में आप देख लेना, वैसे वैसे आपको लैंग्वेज लिखनी है। ए इंटू दिस वैक्टर b into minus 1, 4, minus 2, plus c into this vector, 1, 18, minus 4, equal to होता है 0, तो यहाँ पे हम 0 लेके चलेंगे ट्रिपलेट फॉर्म में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा ट्रिपलेट में चल रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2a, 3a and a, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4b minus 2b, प्लस सी 18 सी, यहाँ पे कॉमाज है तो कॉमा ही रखने हैं मल्टीप्लाई के टाइम, ठीक है। एडिशन ऐसे नहीं करनी इसकी कि अंदर ही एडिशन कर दो, माइनस 4c इक्वल टू 0, 0 एंड 0, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं, देन फर्स्ट नंबर में ऐड होगा, ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस पे है, 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड आ जाएगी 3a प्लस 4b एंड थर्ड इज 18c इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। फिर हम थर्ड नंबर उठाते हैं, थर्ड प्लेस पे जो है a माइनस 2b माइनस 4c इक्वल टू 0, दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको मैट्रिक्स मेथड से। दीज आर द होमोजीनियस इक्वेशन, राइट हैंड साइड पे देखिए सब जगह 0 आ रहा है, देन दीज आर द होमोजीनियस इक्वेशन एंड वी कैन रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म ए एक्स इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। ए क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ द कॉफिशियंट्स, यहाँ पे ए बी सी के जो कॉफिशियंट है, ठीक है। एक्स होता है जो हमारे वेरिएबल, यानी कि जिसमें एक क्वेश्चन दे रखे जैसे कि ए बी सी, ओके। तो अगर मैं इसको ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिखती हूँ, ए एक्स इक्वल टू 0, बी नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 माइनस 1 एंड 1, सेकेंड रो 3, 4 एंड 18, एंड थर्ड इज 1 माइनस 2 माइनस 4, एंड एक्स मैट्रिक्स इज ए बी सी इक्वल टू 0,
ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में बना के हमें इसका यूज़ क्या करना है, यानी आगे रिजल्ट कौन सा लगाना हमने, जो अगर आपने पीछे की जो वीडियोस है मेरी जो सेकंड चैप्टर की मैंने करवाई है बेसिक 2.4 का, उसमें आप अगर आपने देखा हो तो मैंने रिजल्ट बता रखे हैं कि ए मैट्रिक्स, ए दिस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ रोज या फिर कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ए मैट्रिक्स को सिंगुलर प्रूव कर देती हूँ, देन जो हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं यानी कि दीज आर, ये बन जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, सिंगुलर का क्या मीनिंग होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट ए का जीरो आता है तो ए मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। तो अभी हमें यहाँ से क्या चाहिए, ए का डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालिए, 2 -1 1, 3 4 18, 1 -2 -4। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इसको, 2 -16 + 36। ओके, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, हमने माइनस ले लिया तो आपको ऑर्डर जो वही रखेंगे, दिस इज -12 - 18 एंड लास्ट में 1 - -6 - -4, 2 दिस इज 20 -12 and 18 इज -30 एंड यहाँ से आ जाएगा -10, 40 - 40 = 0 implies the determinant of equal to 0 आ रहा है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स implies that ax equal to 0 has non zero solution। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है तो x हमारा क्या है, ए बी सी, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए बी सी आर नॉट ऑल जीरो। और अगर सभी जीरो नहीं है देन फ्रॉम फर्स्ट, ये आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए जो स्टार्टिंग में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो वेक्टर्स है इसको आप v1, v2 एंड v3 ले सकते हैं, v1, v2 एंड v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ये शो करते हैं ना कि इसके जो कांस्टेंट है वो नॉट ऑल जीरो होने चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, फोर्थ, प्रूव दैट द सेट ऑफ फोर वेक्टर्स v1, v2, v3 एंड v4, चार वेक्टर आपके पास दे रखे हैं, कह रहे हैं कि फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट, कि ये चारों वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आपको प्रूव करना है, बट एनी थ्री ऑफ देम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इन चारों में से आप तीन का सेट ले लेते हैं तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं, वी वन दे रखा है आपके पास 1 0 0, वी टू इज 0 1 0, वी थ्री 0 0 1 एंड वी फोर 1 1 1। ये चार वेक्टर दे रखे हैं और इसको हमें लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं v1 प्लस v2 प्लस v3 इसकी वैल्यू निकालती हूँ, इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड जो सही ये सेट होता है 1 0 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखती हूँ v1 की 1 0 0 प्लस v2 की रखते हैं 0 1 0 प्लस 0 0 1। वैल्यू क्या आती है, ऐड करेंगे 1 + 0 + 0 फर्स्ट नंबर 1, सेकंड 0 + 1 + 0 इज अ 1 एंड थर्ड 0 + 0 + 1 इज अ 1। और ये वैल्यू किसकी है, v4 की। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या आता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू v4। इसको मैंने लिखा v1 प्लस v2 प्लस v3 माइनस v4 इक्वल टू 0। v4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम। नाउ ये हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, दिस इज फॉर्म ऑफ ए वी वन
बी वी टू सी वी थ्री डी वी फोर इक्वल टू जीरो, मीन्स ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में आ रहा है और यहाँ पे इनके मल्टीपल यानी कि ए बी सी एंड डी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इससे तो वी वन का मल्टीपल यहाँ पे कितना है, वन, ए की वैल्यू आ जाएगी वन, बी इज ऑल्सो वन, वी टू का मल्टीपल एंड वी थ्री का मल्टीपल सी की वैल्यू आ जाएगी वन और डी की वैल्यू वी फोर का मल्टीपल दिस इज माइनस वन। ठीक है, तो ऑल स्केलर्स आर नॉट ऑल जीरो, दैट मीन्स वी वन वी टू यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी सी डी नॉट ऑल जीरो इम्प्लाइज दैट वी वन वी थ्री वी फोर वी वन वी टू वी थ्री वी फोर आर लीनियरली डिपेंडेंट, दीज आर द लीनियरली डिपेंडेंट। अभी आपको क्या प्रूव करना है कि अगर इनमें से कोई तीन उठा लेते हैं, कोई भी तीन उठा लो, जैसे स्टार्टिंग के मैंने ले लिए वी वन, टेकिंग वी वन वी टू एंड वी थ्री, हमने तीन उठा लेते हैं, हम तीन सेट, इनको आपको क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। एक बार हम ये तीनों लेंगे, फिर वी टू वी थ्री वी फोर लेके प्रूव करना है, फिर जो थर्ड नंबर पे आएगा हम वी थ्री को स्किप कर देंगे, वी वन वी टू एंड वी फोर और लास्ट में V2, V3 एंड V4 सबके लिए यहाँ पे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो तीन अब स्टार्टिंग में हम लेके चलते हैं दिस और इसको आपको क्या प्रूव करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आप प्रूव करोगे यहाँ पे कि इन तीनों का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या करेंगे, A, B, C, दीज आर स्केलर्स such that a into v1, b into v2, c into v3 equal to 0. a into v1 की वैल्यू रखिए, v1 is a 1, 0, 0 plus v2 0, 1, 0 and c into 0, 0, 1 equal to 0 है। यहाँ पे आप ट्रिपलेट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे, a into 1 ए प्लस बी इंटू जीरो जीरो सी इंटू जीरो जीरो, मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, तो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस के नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में ऐड भी करेंगे, देन ए प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यहाँ से ए आएगा, यहाँ से जीरो आएगा एंड यहाँ से जीरो आएगा और इक्वल टू फर्स्ट प्लेस पे जीरो, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू जीरो। ऐसे आप सेकेंड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो, बी मल्टीप्लाई बाय वन एंड सी मल्टीप्लाई बाय जीरो और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, तीनों को ऐड करेंगे, कॉमा है यहाँ पे, b इक्वल टू जीरो और ऐसे ही c के साथ करते हैं, c इक्वल टू जीरो। तो हमने तीन स्केलर लिए a b c, सारे के सारे जीरो आ रहे हैं, इम्प्लाइज दैट सेट ऑफ v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, फिर आप लेके चलेंगे v2, टेकिंग v2 v3 v4 यहाँ से तीन लेके चलेंगे, तो सबके लिए प्रूव करना है, तीन तीन का सेट, कोई भी तीन का सेट उठाएंगे यहाँ से, V2 को फिर से आप यहाँ पे A, B, C तीन स्केलर लेंगे सच दैट कॉम्बिनेशन बनाएंगे A इंटू वी टू बी इंटू वी थ्री सी इंटू वी फोर इक्वल टू जीरो, वी टू वी थ्री वी फोर की वैल्यू रखेंगे, A इंटू वी टू इज जीरो वन जीरो, बी इंटू सॉरी जीरो जीरो वन एंड सी इंटू वन वन एंड वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग पे इक्वेशन आएगी ए इंटू जीरो इज अ जीरो, ये जीरो ये जीरो यहाँ से आ गया सी इक्वल टू जीरो। फिर हम दूसरे नंबर पे चलते हैं, ए इंटू वन ए, बी इंटू जीरो जीरो, सी इंटू वन इज अ सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ से आ जाएगा ए भी जीरो। थर्ड ए इंटू जीरो जीरो, बी इंटू वन इज अ बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू अगर जीरो है तो यहाँ से बी भी जीरो आ जाएगा। तो फिर से तीनों स्केलर जीरो, इट मीन्स वी टू वी थ्री एंड वी फोर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। फिर आप लेके चलेंगे वी थ्री वी फोर एंड वी वन को। ठीक है, सबसे पहले वी वन वी टू वी थ्री लिया, वी थ्री वी फोर एंड लास्ट में चार पेयर बनने चाहिए ना तीन तीन के, वी टू स्किप कर लिया हमने, इसमें हो गया, अब हम V1, V2 और V4 ये लेके चले। तो दो के लिए आप प्रूव करेंगे, इसको आप ट्राई करना, ऐसे ही एज इट इज दिस मेथड से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ द वेक्टर्स, दीज आर थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप ये जो ए कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, मीन्स कंसिडर अ रिलेशन एक्स इंटू, क्योंकि यहाँ पे ए का यूज हो चुका है तो ए बी सी जो नॉर्मली हम कॉन्स्टेंट ले रहे थे वहाँ पे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं, हमें एक स्कैलर लेने हैं, एक्स वाई जेड आर स्कैलर्स नॉट वेरिएबल, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्स वाई जेड हम स्कैलर ले रहे हैं। तो एक्स इंटू फर्स्ट वैक्टर वन माइनस वन थ्री प्लस वाई इंटू सेकेंड वैक्टर वन टू माइनस थ्री प्लस जेड इंटू थर्ड वैक्टर ए ज़ीरो वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इसको, मीन्स इक्वेशन में चेंज कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस ए इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो, इज अ फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन माइनस एक्स टू वाई प्लस ज़ीरो इंटू जेड, ज़ीरो इंटू जेड इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये जीरो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ द इक्वेशन थर्ड। फिर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, हम इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैं इसको ए इंटू एक्स इक्वल टू जी, दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन एंड मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी ए इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स क्या होती है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, फर्स्ट रो वन वन ए, सेकेंड रो माइनस वन टू ज़ीरो एंड थर्ड इज माइनस थ्री वन इंटू एक्स इज एक्स वाई जेड और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में रिजल्ट करवाया था, अगर ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन सेट ऑफ दीज वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमें इसका रिवर्स पार्ट गिवन है, मीन्स हमें यहाँ से क्या गिवन है कि ये वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो हम रिजल्ट लगा सकते हैं यहाँ से, एज वैक्टर्स वी वन, इसको आप वी वन वी टू वी थ्री नाम दे सकते हैं, ये वी वन वैक्टर वी टू एंड दिस इज वी थ्री, वी वन वी टू वी थ्री आर लीनियरली डिपेंडेंट इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि A is singular. Understand? तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A को ज़ीरो पुट कर देंगे। ओके, डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या है, वन वन ए माइनस वन टू ज़ीरो थ्री माइनस थ्री वन, दिस इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट को हमने ज़ीरो पुट किया, वन इंटू टू माइनस ज़ीरो माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस ज़ीरो प्लस ए इंटू माइनस यानी कि थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, देन टू माइनस एंड माइनस प्लस वन प्लस माइनस सॉरी माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो एंड थ्री माइनस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो और ए की वैल्यू आ जाएगी वन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही एज इट इज सेकेंड जो इसका पार्ट दे रखा है वहाँ पे भी आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि v1, v2, v3 यानी सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स इज प्रूव दैट द एलिमेंट्री वैक्टर्स, इनको हम एलिमेंट्री वैक्टर्स बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो एंड ये थ्री ऑर्डर के हैं यानी सॉरी ट्रिपलेट में आते हैं। ठीक है, ये एन टपल में आते हैं, उसको हम थ्री टपल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई वन दे रखा है वन ज़ीरो ज़ीरो अप टू सॉन ज़ीरो, ई टू दे रखा है अब सेकेंड प्लेस पे वन आ गया, थ्री में थर्ड पे आ जाएगा, फोर्थ में फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा, अप टू सॉन चलता जाएगा, हमें एन तक लेने हैं, यानी हमारे पास एन वैक्टर्स हैं और इनको आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्कैलर लेके चलेंगे ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, एन स्कैलर ले लिया हमने, दीज आर एन स्कैलर्स सच दैट रिलेशन बनाते हैं ए वन इंटू ई वन ए टू इंटू ए टू
प्लस अप टू सॉन ए एन इंटू ई एन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वैल्यू रखिए, ए वन इंटू ई वन की वैल्यू रखते हैं हम, वन जीरो जीरो अप टू सॉन जीरो, प्लस ए टू इंटू ई टू की वैल्यू रखेंगे तो ये सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा जीरो वन, बाकी सब जगह जीरो जीरो। प्लस अप टू सॉन ए एन की प्लेस, ई एन के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं तो ए एन ई एन की वैल्यू जीरो 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 अप टू लास्ट प्लेस पे जाके वन आएगा इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो भी आपको टपल में लेनी है, यानी कि जीरो जीरो अप टू सॉन जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ए वन को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू को फर्स्ट से, ए एन को फर्स्ट से। तो यहाँ से देखेंगे तो सबके पास, सिर्फ ए वन के पास वन मल्टीपल है, बाकी सबका मल्टीपल जीरो है, तो सारे के सारे जीरो, दैट मीन्स ए वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड टाइम ए वन को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई किया, ए टू को सेकेंड नंबर से करेंगे, यहाँ पे वन आ रहा है तो ए वन जीरो हो गया, ए टू इंटू वन ए टू हो गया। आगे ए थ्री पे जीरो अप टू सॉन ए एन को करेंगे जीरो से तो ये भी जीरो, दैट मीन्स ए टू भी जीरो। इस तरह से देखते जाएंगे कि सारे स्केलर्स हमारे पास जीरो आ जाते हैं। ठीक है, और अगर सारे स्केलर जो हमने लिए हैं ऑल ऑफ जीरो, देन ई वन सेट ऑफ ई वन ई टू अप टू सॉन ई एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखने में बड़ी लग रही है बट इजी सा क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, प्रूव दैट एन के वेक्टर्स ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन, दीज आर द एन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड नॉट ओनली इफ ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन इन टू एक्स इक्वल टू जीरो। ये जो वैक्टर दे रखे हैं इन टू एक्स इज दिस मैट्रिक्स, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है। ये कहता है कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन दिस रिलेशन इक्वल टू जीरो आएगा, और अगर ये रिलेशन इक्वल टू जीरो है तो आप प्रूव करेंगे कि ए वन ए टू ए एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, मीन्स क्या करते हैं, रिलेशन लेके चलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। कंसिडर अ रिलेशन, किन वैक्टर्स को करना है आपको, ए वन ए टू ए एन, एक्स वन ए वन एक्स टू ए टू प्लस अप टू सॉन एक्स एन ए एन इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या बोला हुआ है कि एन के वैक्टर्स ए वन ए टू ए एन, मीन्स ए वन में के वैक्टर है, ऐसे ही ए टू में, ऐसे ही ए एन में, मीन्स ए की जो वैल्यू रखेंगे वो किस टाइप से लेके चलेंगे हम, ए वन ए टू अप टू सॉन ए के वन, क्योंकि कैपिटल जो देते हैं ये मैट्रिक्स होती है, कैपिटल ए, कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू अप टू सॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेके चलना है, तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उनकी वैल्यूज रखते हैं, ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे। देखिए के वेक्टर बोला गया है कि हर एक में के वेक्टर है, तो हमने ए वन को ले लिया ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन अप टू सॉन ए के वन, ऐसे ही ए टू की वैल्यू रखेंगे, इसके बाद आएगा एक्स थ्री ए थ्री अप टू सॉन एक्स एन ए एन, तो इन सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब इनको सॉल्व करते हैं, मीन्स एक्स वन को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है। ओके, तो x1 इंटू ए वन वन, एक्स टू इंटू ए वन टू अप टू सॉन एक्स इंटू ए वन थ्री अप टू सॉन एक्स इंटू ए वन एन, इस तरह से हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी स्टार्टिंग में ए वन वन इंटू एक्स वन, यहाँ से ए वन टू इंटू एक्स टू प्लस यहाँ से आ जाएगी ए वन थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस अप टू सॉन ए वन एन इंटू एक्स एन एंड इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स है। एंड सेकेंड आएगी ए टू वन इंटू एक्स वन, ए टू टू इंटू एक्स टू, ए टू थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस अप टू सॉन ए टू एन इक्वल टू इंटू एक्स एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी ए थ्री वन एक्स वन, ए थ्री टू एक्स टू, ए थ्री थ्री एक्स थ्री प्लस अप टू सॉन ए थ्री एन एक्स एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अप टू सॉन लास्ट में क्या आएगी, दिस इज ए के वन एक्स वन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू से, ए के टू एक्स टू प्लस ए के थ्री एक्स थ्री प्लस अप टू सॉन ए के एन एक्स एन इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जहाँ पे इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं
दिस कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, देन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टू सॉन एक्स एन के मल्टीपल ए मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री अप टू सॉन ए वन एन। सेकेंड आ जाएगा ए टू वन, सेकेंड इक्वेशन के जो मल्टीपल आ रहे हैं यहाँ पे ए टू टू ए टू थ्री अप टू सॉन ए टू एन अप टू सॉन। लास्ट में क्या आ जाएगा ए के वन के वन ए के टू ए के थ्री अप टू सॉन ए के एन। एंड एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सॉन एक्स एन, समझ गए, जो ये वेरिएबल होते हैं ये हमारे एक्स मैट्रिक्स, और इक्वल टू जीरो 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 अप टू सॉन जीरो। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है और अब हमें देखना है कि ये जो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हम लेके चलते हैं लेट ए वन ए टू अप टू सॉन ए एन दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हमने यहाँ से लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाया यहाँ से एक्स वन ए वन एक्स टू ए टू अप टू सॉन एक्स एन ए एन, मीन्स जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन। ओके, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इम्प्लाइज दैट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन वी यूज द स्केलर्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऑल आर जीरो। समझना ही बात, ये अगर ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे तो इसके जो कांस्टेंट यूज़ किए हमने, स्केलर्स यूज़ किए कॉम्बिनेशन में, दीज आर ऑल जीरो, तो सभी के सभी जीरो आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये कंप्लीट जीरो आ गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू कंप्लीट जीरो, और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यही यहाँ से देखेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए वन ए टू ए एन दिस इज, तो यहाँ से आ जाएगा ए वन ए टू ए एन मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ये अगर जीरो आ रहा है तो कंप्लीट x मेरे पास जीरो आ जाता है, और अगर कंप्लीट x जीरो आ रहा है दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाई x इज इक्वल। कन्वर्स पार्ट करते हैं अगर हम, तो हम लेके चलेंगे कि a1 वन इंटू ए वन ए टू ए एन इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ ए ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन है दैट मीन्स x इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x1, x2 अप टू सॉन xn ऑल आर जीरो, क्योंकि x हमारे पास क्या है x1, x2, xn, तो x की वैल्यू यानी कि ऑल दिस नंबर आर जीरो, और अगर ये जीरो आ जाएंगे तो यहाँ से देखिए a1, a2, a3, an के मल्टीपल स्केलर मल्टीपल ले रखे हैं हमने यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट a1, a2, a3 अप टू सॉन an आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमने इसके सारे स्केलर मल्टीपल को यहाँ से जीरो प्रूव कर दिया। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट, आप इसको ट्राई कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।